बच्चों, तो आज से नया सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। और इसके पहले जो वीडियोस डाले गए हैं जिनमें वर्ड पावर, वोकैब और जो कॉमन एरर्स के वीडियोस हैं उन पर आपने ध्यान दिया होगा, तो वो आपको बहुत फायदा हुआ होगा यदि आपने मेहनत से उनकी पढ़ाई की होगी। तो ये नेक्स्ट सेशन है हमारा वोकैब का, और आशा है कि पहले की तरह ये सेशन भी आपके लिए लाभदायक होगा और आप इसका लाभ ले सकेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर आप एक कंसेंट्रेशन देके सारे वर्ड्स को तैयार करते हैं तो निश्चित ही इनके जो फायदे हैं वो अपने एग्जाम्स में जो आने वाले हैं जल्दी ही उनमें आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन, ठीक है। पहला वर्ड आप देख रहे होंगे, पहला वर्ड है आपका ड्रबिंग। यह एक नाउन है, और अ बीटिंग या अ थ्रेशिंग, अ डिफीट इन अ मैच और कॉन्टेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है जहां पे कोई आपको पराजित कर देता है, आप हार जाते हैं, तो यह एक ड्रबिंग होती है, यानी ड्रबिंग मीन्स पराजय, हार। बीटिंग इसका शर्निंग हो जाएगा, थ्रेशिंग हो जाएगा, वाल पुलिंग हो जाएगा, वेलपिंग हो जाएगा, थम्पिंग हो जाएगा। अगर एंटोनिम्स देखें तो पराजय के एंटोनिम के रूप में सक्सेस हो जाएगी, ट्रायम्फ हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगी, विन हो जाएगा। अगर हम इसका ड्रबिंग का यूज देखें तो वी वांट टू फॉरगेट स्कॉटलैंड्स 3-0 ड्रबिंग बाय फ्रांस, यानी हम भूलना चाहते हैं स्कॉटलैंड की वो हार जो 3-0 से वो फ्रांस से हार गया था। तो ड्रबिंग, ड्रबिंग मीन्स एक नाउन के रूप में पराजय। दूसरा पर हमारा है इमेंसिपेट। आप जानते हैं बहुत बार हम किसी के कब्जे में हो जाते हैं, वो हमें बंधक बना लेता है, तो अगर वो हमें इमेंसिपेट कर रहा है तो वह उस बंधन से हमें आजादी दे रहा है, हमें मुक्त कर रहा है। तो इमेंसिपेट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी टू फ्री समवन फ्रॉम कंट्रोल और पावर, यानी जब आप किसी को बंधन से आजाद करते हैं तो आप उसे इमेंसिपेट करते हैं, मुक्त करते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्चार्ज कर देना। आपने ऐसा सुना होगा हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, मीन्स वहां से मुक्त हो जाते हैं। डिसएंथ्रॉल कर देना मीन्स अपनी गुलामी, अपने दास्ता से मुक्त कर देना, फ्री कर देना, लूजिंग कर देना मीन्स ढीला छोड़ देना, लिबरेट कर देना मीन्स मुक्त कर देना। लेकिन अगर आप इमेंसिपेट के एंटोनिम को देखेंगे तो बाइंड करना मीन्स बांध देना, कंफाइन कर देना मीन्स सीमित कर देना, एक दायरे में रख लेना, फेटर कर देना जंजीरों में जकड़ लेना, रिस्ट्रेन कर देना मीन्स प्रतिबंधित कर देना। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो ही फेल्ट द ओनली वे टू इमेंसिपेट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज पेरेंट्स वाज टू मूव अवे। आजकल के बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता से इमेंसिपेशन चाहते हैं, उनसे मुक्ति चाहते हैं। तो ही फेल्ट, उसने महसूस किया द ओनली वे, कि इकलौता जो रास्ता है, एकमात्र जो रास्ता है टू इमेंसिपेट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से खुद को मुक्त करने का, वाज टू मूव अवे, वो ये है कि वो वहां से चला जाए। तो इमेंसिपेट, इमेंसिपेट में इन सब मुक्त कर देना, किसी बंधन से आजादी कर देना। नेक्स्ट वर्ड आपका प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव में विशेष अधिकार, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अ राइट आर प्रिविलेज सम पीपल है, यानी कोई ऐसा अधिकार जो कुछ लोगों के पास है लेकिन दूसरों के पास नहीं है, तो वह विशेष अधिकार प्रेरोगेटिव हो जाएगा, प्रिविलेज हो जाएगा। सिनोनिम्स अगर हम देखें तो राइट, बर्थ राइट, एग्जेम्पशन या एडवांटेज, अर्थात आपको कहीं कहीं दूसरों से बेहतर सुविधा दी जा रही, आपको छूट दी जा रही, आपको उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसके प्रेरोगेटिव के एंटोनिम को देखेंगे तो डिसएडवांटेज या कन्फाइनमेंट हो जाएगा, मीन्स वो राहत मिलने के बजाय, वो लाभ मिलने के बजाय आपको और सीमित किया जा रहा है। अगर हम प्रेरोगेटिव का यूज देखें, इट इज अ राइटर्स प्रिविलेज, ये एक लेखक का विशेष अधिकार होता है टू डिसाइड, निर्णय करना टू द फेट ऑफ हिज कैरेक्टर्स, कि वह अपने चरित्र जो उसके राइटिंग के कैरेक्टर हैं उनकी तकदीर निर्धारित करना। वो अपनी राइटिंग्स में उनकी तकदीर को पॉजिटिव भी कर सकता है, उनकी तकदीर को नेगेटिव भी कर सकता है। तो वो जो अधिकार उसके पास है उसे हम प्रेरोगेटिव कहते हैं, मीन्स विशेष अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सैंग्विन। ये एक एडजेक्टिव है। ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, जब आप किसी क्षेत्र में ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं, पॉजिटिव व्यू रखते हैं, स्पेशली इन एन अपेरेंटली बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन, वो भी उस समय जब आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन बहुत
पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो, बुरी हो, उस स्थिति में भी अगर आप शैनविन हैं, मीन्स आप आशावान हैं, आप आशान्वित हैं कि कुछ अच्छा ही होगा। वैसे आपको भी हमेशा सोचना चाहिए कि कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड सफलता के लिए सबसे बेहतर होता है। तो आप शैनविन हैं हमेशा। शैनविन का सरोनिम हो जाएगा हम ऑप्टिमिस्टिक हों, बुलिश हों, होपफुल हों, बॉयंट हों, पॉजिटिव हो, कॉन्फिडेंट हो, विश्वास हो अपने ऊपर, चीयरफुल हो या चीयरी हो, मीन हमेशा प्रसन्न हो। अगर हम इसकी एंटरिंग की बात करें तो हम डिप्रेस हो, मीन्स निराश हो जाए, डाउन हो जाए, टूट जाए, ग्लूमी हो जाए, उदास हो जाए, हेवी हो जाए, मीन्स हमेशा भारी मन से रहे, पेसिमिस्टिक हो जाए, मीन्स निराश हो जाए। अगर हम शैंगविन के यूज की बात करें तो द कांग्रेस इज क्वाइट सैंग्विन, यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत आशान्वित है, आशावान है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इन यूपीए कोएलिशन। यानी जो यूपीए का कोएलिशन, कोएलिशन आपको याद होगा कोएलिशन में गठबंधन होता है, तो जो यूपीए का कोएलिशन है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ही आशान्वित है, आशावान है उसकी स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी में स्थिरता, उसकी स्थिरता हमेशा बरकरार रहे। तो शैंगविन, शैंगविन मीन्स आशावान। नेक्स्ट है कंडाई, मीन्स कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत उपयुक्त हो, बहुत बेहतर हो, मीन्स अप्रोप्रिएट हो। तो अप्रोप्रिएट या डिजर्व मीन्स कंडाइन, कंडाइन मीन्स जो उपयुक्त हो, उपयुक्त या योग्य। अगर हम कंडाइन के सरोनिम की बात करें तो हम कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, डिजर्वड हो सकते हैं, अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, मेरिटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो हम अनडिजर्वड हो सकते हैं, अनजस्टिफाइड हो सकते हैं, अनमेरिटेड हो सकते हैं, या इनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं, या फिर याद करें आप अनसुटेबल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अ सस्पेंशन विदाउट पे इज अ कंडाइन पनिशमेंट, इज अ कंडाइन पनिशमेंट फॉर लेजी एम्प्लॉयज। अगर कोई एम्प्लॉय जो है लेजी है तो उनके लिए कंडाइन पनिशमेंट में से उपयुक्त जो सजा होगी वो अ सस्पेंशन विदाउट पे होगी, मीन्स उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, उनको पेमेंट न दे जाए। तो कंडाइन, कंडाइन मीन्स उपयुक्त या योग्य। नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रिल्यूड। जब भी कोई चीज इंपॉर्टेंट होनी है तो उसके इंट्रोडक्शन के रूप में हम जो कुछ देते हैं, बताते हैं, वो हमारा प्रिल्यूड होता है, मीन्स उसकी प्रस्तावना होती है। यह एक नाउन है, प्रिल्यूड प्रस्तावना। हमें याद हो अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना की बात करते हैं तो नॉर्मली हम प्रीएम्बल का यूज करते हैं। अगर हम किसी किताब की प्रस्तावना की बात करते हैं तो हम प्रीफेस का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में दिया गया होगा कि प्रीफेस के साथ हमारा जो प्रीपोजिशन होता है वो टू होता है। यू डू नॉट राइट अ प्रीफेस फॉर द बुक, यू राइट अ प्रीफेस टू द बुक होता है। तो यहाँ पे प्रिल्यूड मीन्स प्रस्तावना, मीन्स एक प्रिलिमिनरी है, ओवरचर है, शुरुआत है, ओपनिंग है, आरंभ है, प्रिपरेशन है, तैयारी है, इंट्रोडक्शन है, मीन्स प्रस्तावना है, स्टार्ट है, शुरुआत है, बिगिनिंग या कर्टेन रेजर है, मीन्स शुरुआत। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो प्रिल्यूड का कंप्लीशन हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा, या एपिलॉग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैप्सस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नेचर में होता है कि वो निंदा करें दूसरों के प्रति, एक फॉल्ट फाइंडिंग नेचर हो उनका, मीन्स दोष निकालें, छिद्र खोजें वो। सो कैप्सस एक ऐसा व्यक्ति होता है मार्क बाय एन ऑफन इल नेचर इंक्लिनेशन। उसकी जो इच्छा होगी वो हमेशा इल नेचर होगी, खराब होगी, टू स्ट्रेस पार्ट्स, जो कमियां निकालेगा, एंड रेज ऑब्जेक्शन, और आपका विरोध करेगा। ऐसा जो शख्स होता है वो कैप्सस होता है, मीन्स अवगुण ढूंढने वाला होता है। यह एक सेंसरियस पर्सन है, एक हाइपोक्रिटिकल है, या फॉल्ट फाइंडिंग है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके एंटोनिम के रूप में काम करते हैं, मीन्स वो अनक्रिटिकल होते हैं, प्रेजिंग होते हैं, हमेशा आपसे प्लीज्ड होते हैं, खुश रहते हैं। अगर हम कैप्सस के यूज की बात करें तो दीज आर कैप्सस प्रोडक्शन। ये जो है ये अवगुण खोजने वाले आलोचक हैं, सो अतः दे विल नेवर प्रेज यू, ये आपकी कभी भी प्रशंसा नहीं करेंगे। तो अगर कोई कैप्सस है तो वो आप में अवगुणों को, आपके दोषों को ढूंढने की कोशिश करता है। निकॉर, यह एक नाउन है आपका, मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो कंजूसी की हद पार कर देता हो, बहुत अधिक कंजूस होता है, माइजर होता है, स्क्रिम होता है, पार्सिमोनियस होता है, वो निकॉर कहलाता है।
A mean or ungenerous person, a miser, means एक तुच्छ मानसिकता वाले व्यक्ति या फिर कोई जो कंजूस है वो निकॉर्ड होता है. सोनिन देखें उसकी मानसिकता जो है चीप है, क्लोज है, वो क्लोज फिस्टेड है, माइजरली है, निकॉर्ड है, स्टिंगी है या पार्सिमोनियस मीन्स कंजूस है. लेकिन अगर वो कंजूस न होकर के बाउंटीस है, बड़े दिल वाला है, बाउंटीफुल है, बड़े दिल वाला है, चैरिटेबल है, दानशील है, फ्री हैंडेड है मीन्स मुक्त हृदय से सहायता करता है, जेनरस है, लिबरल है, मेनिफिशेंट है या ओपन हैंडेड है, उदार है मीन्स वो कंजूस नहीं शो करता है. तो निगार का अगर हम यूज देखें, शी इज अ निगॉर्डली वुमन. ध्यान रखिएगा बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि किसी शब्द के अंत में एल वाई है तो वो एक एडवर्ब होता है, ऐसा नहीं. अगर एक नाउन में आपने एल वाई जोड़ा हुआ है तो हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है. तो शी इज अ निगॉर्डली वुमन, वह एक कंजूस महिला है. सो डोंट एक्सपेक्ट हैंड आउट फ्रॉम हिम फ्रॉम हर, यानी उससे कोई चीज पाने की आशा पाने की अपेक्षा न करो क्योंकि वो निगॉर्डली वुमन है मीन्स वह एक कंजूस महिला है. तो निगार निगौड़ मीन्स कंजूस. नेक्स्ट वर्ड है आपका पर्व. जब भी आप कोई तैयारी कर रहे होते हैं, किसी मन से कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ में आपके आते हैं जो आपको कहीं कहीं डाइवर्ट करने का सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोग वास्तव में आपको परवर्ट कर रहे होते हैं. लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा लगे रहें. बहुत सारे लोग आपको डिगाने की कोशिश करें लेकिन आप डिगे ना, आप परवर्टेड ना हो. मीन्स परवर्ट मीन्स बहक जाना या बहका देना किसी को. डिस्टॉर्ट आर करप्ट द ओरिजिनल कोर्स मीनिंग आर इष्टिका, यानी जो वास्तविक पथ हमारा है, जो वास्तविक लक्ष्य हमारा है, अर्थ है, जो वास्तविक स्थिति है, उससे बहका देना मीन्स परवर्ट कर देना. तो आपको कोई डिस्टॉर्ट कर दे रहा है, कोई वार्प कर रहा है, कोई आपको करप्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको सबवर्ट कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, बेंड कर रहा है, अब्यूज कर रहा है आपको, डाइवर्ट कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन अगर कोई आपको अप्लाउड कर रहा है, बेनिफिट कर रहा है, फेवर कर रहा है, लॉट कर रहा है, पेनिग्राइज कर रहा है या फिर प्रेस कर रहा है, इट मीन्स वो आपको बेहतर पथ पर ले जाने की कोशिश कर रहा है. तो परवर्ट कर देना, बहका देना, यूज देखें. He was charged with conspiring. Conspire समझते हैं, conspire means साजिश करना होता है, aspire means अपेक्षा या आकांक्षा करना होता है, और inspire means किसी को प्रेरित करना होता है, ऐसे वर्ड्स आपके हैं. तो he was charged with conspiring to pervert the course of justice. ने जो न्याय का पथ था, न्याय का मार्ग था, उसे परवर्ट करने के लिए कंस्पायर करने का उसे आरोप लगा, यानी उस पर कंस्पायरिंग का आरोप लगा कि उसने न्याय के पथ को परवर्ट करने की, बहकाने की या बिगाने की कोशिश की थी. तो परवर्ट, परवर्ट मीन्स बहकाना, किसी को उसके पथ से हटा देना. नेक्स्ट वर्ड है आपका अवर्स, मीन्स द अपोजिट आर काउंटर पार्ट ऑफ अ फैक्ट और ट्रुथ. कोई सच्चाई हो, कोई तथ्य हो, उसका जो दूसरा पहलू होता है, सामने का पहलू होता है, वो अवर्स होता है, मीन्स विपरीत या सामने का. तो इसके सोनिम्स दिए गए हैं आपको, एंटीपोल, एंटीथेसिस, कॉन्ट्ररी, काउंटर, नेगेटिव, अपोजिट और रिवर्स. ये सामने के जो हिस्से वो है. इसका जो यूज है, द अवर्स ऑफ द कॉइन, हम कह सकते हैं सिक्के का जो दूसरा यानी सामने का पहलू है वो अवर्स होता है. अवर्स मीन्स सामने का या विपरीत. कैंटर, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्नेल पेस से काम करते हैं, बहुत सुस्त रफ्तार से कार्य करते हैं, उन्हें सुस्त लोग ही पसंद आते हैं. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैंटर को पसंद करते हैं, मीन्स तेज गति से चलने वाले घोड़े की सवारी करते हैं, यानी टू राइड अ हॉर्स दैट इज रनिंग फास्ट. एक ऐसे घोड़े की सवारी करना जो बहुत तेज दौड़ता हो, वह कैंटर करते हैं. तो कैंटर का यूज है, आई रोड अवे एट अ कैंटर, यानी तेज गति से चलने वाले वाले घोड़े की, मैंने क्या की सवारी की. तो कैंटर, कैंटर में तेज गति से चलने वाले घोड़े की सवारी करना. कार्कश मीन्स एक पशु का शव, जो जानवरों का शव होता है उसे हम कार्कस कहते हैं. तो द डेड बॉडी ऑफ एनिमल, यानी जानवर का शव. वी सॉ द कार्कस ऑफ अ स्पैरो, यानी हमने गिलहरी का शव देखा.
that had been run over, जिसे कुचल दिया गया था, run over means कुचल देना, यानी गिलहरी का शव हमने देखा, जो इसे कुचल दिया गया था, तो carcass, carcass means पशु का शव. Next word है आपका cater, आपने अक्सर सुना होगा कि इस शादी में जो catering की जिम्मेदारी है, वो फला tent house को दी गई, means कैटरिंग की जिम्मेदारी अर्थात सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो कैटरिंग होती है. तो वर्ब के रूप में उसे हम कैटर कहते हैं, मीन्स आवश्यकताओं का ध्यान रखना, उनकी पूर्ति करना, जितनी भी जरूरतें हैं उनकी व्यवस्था करना, कैटर करना. टू सप्लाई व्हाट इज रिक्वायर्ड और डिजायर, जिस चीज की आवश्यकता हो, जरूरत हो, उसकी पूर्ति करना, कैटर करना होता है. अ लोकल रेस्टोरेंट कैटर द बैंक, बैंक मीन्स भोज होता है, यानी एक स्थानीय रेस्टोरेंट को बैंकेट की जिम्मेदारी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी दी गई, यानी उससे कहा गया रेस्टोरेंट को कि वह उस बैंकेट से संबंधित सभी आवश्यकताओं को कैटर करे, उनकी पूर्ति करे. तो कैटर पैटर मीन्स आवश्यकताओं का ध्यान रखना. नेक्स्ट वर्ड है आपका चकर, बहुत बार लोग मन ही मन मुस्कुरा लेते हैं, मुंह दबा के हंस लेते हैं, पता नहीं चलता है कि वास्तव में वो हंस रहे हैं. तो टू लाफ इनवार्डली, जब आप अंदर ही अंदर हंस लें, और क्वाइटली या फिर शांत होकर हंस लें और किसी को पता न चले, ऐसा तभी होता है जब आप किसी चीज को सोचते हैं और आपको हंसी आ जाती है. तो चकल का यूज है, शी चकल्ड एट द मेमोरी, यानी वो उस चीज को याद करके हंस पड़ी या मुस्कुरा दी, ऑफ व्हाट ही हैड सेड, जो कुछ भी उसने कहा था, यानी उसने सोचा कि उसने क्या कहा था, फिर उस चीज को सोचकर वो चकल कर दी, मीन्स क्या कर दी, वो हंस दी, मुस्कुरा दी. तो चकल मुंह दबा करके हंसना. सेंट्रीपेटल, शायद आप समझते हैं, अगर कोई चीज सेंट्रीफ्यूगल होती है तो फिर वो अपने केंद्र से दूर भागती है, लेकिन अगर कोई सेंट्रीपेटल होती है तो वो केंद्र की तरफ आकर्षित होती है. तो सेंट्रीपेटल केंद्र गामी, एनीथिंग टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स सेंटर, कोई भी चीज टेंडिंग जो प्रवृत्त हो रही हो टू मूव टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ आने के लिए, वह केंद्रगामी या सेंट्रीपेटल है. द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किट, यानी किसी गोले का जो सेंटर केंद्र है उसकी तरफ जो कुछ आ रहा है इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, उस फोर्स को हम सेंट्रीपेटल केंद्रगामी फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं. तो सेंट्रीपेटल मींस केंद्रगामी, और याद करें सेंट्रीफ्यूगल मींस परगामी, दूसरी तरफ जाने वाला, जो केंद्र से दूर होने वाला है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है. ये इडियम्स है हमारे, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, याद करें कूल अगर कोई चीज है तो वह एक पॉजिटिव वर्ड होता है, अगर कोल्ड कोई चीज है तो वह एक नेगेटिव वर्ड होता है, वैसे ही वार्म अगर कोई चीज है तो वह एक पॉजिटिव वर्ड होता है, और अगर हॉट कोई चीज है तो वह नेगेटिव होता है, वैसे हॉट पॉजिटिव भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं आप. तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी किसी को कोल्ड शोल्डर देना मीन्स ठंडे से पेश आना, मीन्स एक तरह से उसके प्रति कोई गर्मजोशी का भाव न रखना. तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स उसे इग्नोर कर देना, नजरअंदाज कर देना, मीन्स उसे वो रिस्पांस न देना जिस रिस्पांस की वो अपेक्षा कर रहा था. आई थॉट शी रियली लाइक्ड मी, मुझे लगा कि वो वास्तव मुझे पसंद करती है, बट लेकिन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी गिव मी द कोल्ड शोल्डर, उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया. अक्सर आप देखें किसी से आपकी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन वह उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है और आपकी सोच के विपरीत कार्य करता है, तो ही गिव्स यू द कोल्ड शोल्डर, अर्थात वो आपको क्या करता है, नजरअंदाज करता है. लेकिन बहुत अपेक्षाएं भी आप ना करें, कभी कभी आप ऐसी अपेक्षाएं कर लेते हैं जो पॉजिटिव नहीं होती हैं, तो वहां पर लोगों को कोल्ड शोल्डर ही देना पड़ता है. तो टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स नजरअंदाज करना. नेक्स्ट है थ्रो कॉशन टू द विंड, बहुत बार आपको पता है कि किसी चीज में आपके खतरे हो सकते हैं, आपको रिस्क लेना पड़ सकता है, फिर भी आप वो कार्य करते हैं, तो यू थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी थ्रो कॉशन टू द विंड मीन्स टू डू समथिंग, कोई ऐसा कार्य करना विदाउट वरीइंग अबाउट द रिस्क एंड डेंजर इन्वॉल्व, बिना इस बात की चिंता की उसमें खतरे हैं, बिना इस परवाह की आपको कार्य कर रहे हैं, तो आप थ्रो कॉशन टू द विंड कर रहे हैं, खतरे की परवाह न करके वो कार्य करने की आप कोशिश कर रहे हैं. आई थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी मैंने खतरे की कोई परवाह नहीं की,
and rode as fast as I could. और उतने तेज चलने की कोशिश की, उतनी तेज सवारी करने की कोशिश की जितनी तेज मैं चल सकता था. तो throw caution to the wind means खतरे की परवाह न करना और अपना कार्य करना. At a snail's pace, आप समझते होंगे स्नेल में घोंगा होता है और घोंगे की जो रफ्तार गति होती है बहुत सुस्त होती है. तो idioms के कोई कोई मायने होते हैं उसी पर बनाए जाते हैं. तो अगर कोई कार्य आप एट स्नेल्स पेस कर रहे हैं मीन्स टू डू थिंग्स वेरी स्लोली कर रहे हैं, मीन्स बहुत धीमी रफ्तार से वो कार्य आप कर रहे हैं. तो एट स्नेल्स पेस मीन्स धीमी गति से कोई कार्य करना. द ट्रेन वॉज मूविंग नाउ एट अ स्नेल्स पेस. जो ट्रेन थी वो बहुत धीमी गति से इस समय चल रही थी, यानी उसकी गति जो थी वो एक स्नेल के पेस की तरह थी. तो एट स्नेल्स पेस मीन्स धीमी रफ्तार. स्पेशल समझते होंगे भारत में ज्यादातर ट्रेनें धीमी क्या बिल्कुल धीमी रफ्तार चलती हैं, कितनी जगह रुकती हैं पता भी नहीं चलता और एक घंटे की यात्रा वो चार घंटे में पूरा कराती हैं. तो वो ट्रेनें जो हैं वो स्नेल्स पेस से चल रही होती हैं. तो स्नेल्स पेस धीमी गति से काम कर रहा. ये हमारे पास दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप क्लोज टेस्ट करते हैं तो भी इनकी जरूरत है. अगर आपको फिलर्स दिए जाते हैं सेंटेंस फिलर्स तो वहां भी इनकी जरूरत है. किसी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को आपको समझना है तो वहां भी फ्रेजल वर्ब्स बहुत मायने रखते हैं. तो इन पर मेहनत करें आप. ब्रशअप है टू इंप्रूव अपीयरेंस, यानी शक्ल सूरज संवारना है. किसी चीज को बेहतर बनाने की अगर आपको है तो आप उसे ब्रशअप करते हैं, बेहतर बनाना या संवारना. शी स्टडीड अब्रॉड, उसने बाहर अध्ययन किया. इन ऑर्डर टू मीन्स के उद्देश्य से, के लिए उसने बाहर अध्ययन किया. इन ऑर्डर टू ब्रशअप हर इंग्लिश, यानी अपने इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए उसने फॉरेन यानी विदेश जाकर पढ़ाई की ताकि उसकी इंग्लिश बेहतर हो जाए. वैसे भारत में भी इंग्लिश बेहतर की जा सकती है. तो ब्रशअप, ब्रशअप मीन्स टू इंप्रूव अपीयरेंस. और लास्ट फ्रेजल वर्ब है आपका कैरी ऑफ. कैरी ऑफ कोई ऐसा कठिन कार्य पूरा कर लेना जिसकी अपेक्षा नहीं, जिससे लग रहा था पूरा नहीं हो पाएगा. अगर उस कठिन कार्य को आप पूरा कर ले रहे हैं मीन्स आप उसे कैरी ऑफ कर ले रहे हैं. तो कैरी ऑफ टू सक्सीड इन अ डिफिकल्ट टास्क, यानी किसी कठिन कार्य को करने को पूरा कर लेना, किसी कठिन कार्य को करने में सफल हो जाना मीन्स कैरी ऑफ कर लेना. द क्वान आर्टिस्ट वुड नेवर हैव बीन एबल टू कैरी ऑफ हिज स्कीम, जो क्वान आर्टिस्ट था वो इस स्कीम को कतई करने में सफल पूरा नहीं हो सकता था इफ इट वर नॉट फॉर द ग्रीड ऑफ हिज ईगर विक्टिम्स. यदि वो ईगर विक्टिम्स था, उसके शिकार थे, यदि वो ग्रीडी नहीं होते मीन्स लालची नहीं होते तो निश्चित ही वह उस कार्य को कैरी ऑफ करने में सफल नहीं हुआ होता. मीन्स कैरी ऑफ करना किसी कठिन कार्य को पूरा कर लेना. तो बच्चों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन पर मेहनत करें और जल्दी ही आपको देखेंगे अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर से आप ज्यादातर एग्जाम्स आपके हैं. इधर जिन बच्चों के बैंक के एग्जाम्स हैं ज्यादातर वर्ड्स जो हैं आपको मिलेंगे. बस आपको जरूरत क्या है इन वर्ड्स को पढ़ें, डिस्कशन करें एक दूसरे से. डिस्कशन करने से बहुत फायदा होता है और लाइफ में यूज करें. जैसे मान लीजिए यही कैरी ऑफ है और आप इसे रट करके नहीं तैयार कर सकते, बट अगर किसी व्यक्ति से किसी बच्चे से आप कहें कि देखो मैं इसमें इस कार्य को मैं कैरी ऑफ कर लूंगा, मीन्स तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं इसे करके दिखाऊंगा. कैरी ऑफ जब यूज करेंगे कि मैं इसे कैरी ऑफ कर सकता हूं, मैं एक्चुअली ब्रशअप होके वहां जा रहा हूं अर्थात समर के वहां जा रहा हूं, तो शब्दों को अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएंगे. क्योंकि आप समझते होंगे जिस रिलेटिव को आप जितना सम्मान देंगे, जितनी बार उसे अपने घर पे बुलाएंगे, हर हाल में उसके साथ आपके संबंध उतने बेहतर होंगे. बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये भी ध्यान रखिएगा. तो आप इन्हें पढ़ें, तैयार करें, डिस्कशन करें और मैं हमेशा चाहूंगा कि वर्ड्स आपके काम आए ताकि जिंदगी में आप सफल होकर अपने माँ बाप के कंधों के भार को हल्का सा हल्का कर सकें, कम कर सकें. जो मेरी सबसे बड़ी चाहत है कि आप सफल हो जाएं ताकि उन पर जो बर्डन है, जो बोझ है, अपने बच्चों की सफलता को लेकर जो एक जिम्मेदारी है वो कहीं कहीं आप पूरी करें. और इसके लिए सिर्फ लगन की जरूरत है. आप मेहनत करेंगे हर हाल में सफल होंगे.